हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिपेंडिंग अपॉन देयर फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। यानी आप सीधे तौर पर कहें तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के यानी वेव्स के समूह को देखेंगे, जिसमें हमने वेव्स को फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के हिसाब से डिवाइड कर रखा है। राइट, आइए देखते हैं उनको डिटेल में। राइट, देखेंगे आप यहां पर हमने पहले सबसे पहले क्या लिए हैं, तो आप ये सारे नाम जो देख रहे हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के सब टाइप्स हैं, यानी इन सारे समूह को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इन सब को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्लियर। और ये जो क्लासिफिकेशन आप देख रहे हैं इसे कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। राइट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम है ये। आप देखेंगे हमारा जो क्लासिफिकेशन है उसमें हमने फ्रीक्वेंसी लिए हुए, हमने वेवलेंथ लिया है, आप देख सकते हैं प्रोडक्शन भी है, मतलब किस तरह से ये वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोग, और डिटेक्शन है, मतलब जैसे किसी एंड पर से ट्रांसमिट करते हैं। राइट, तो किसी दूसरे एंड पर रिसीवर होगा, वो रिसीवर एंड क्या करेगा, इन सिग्नल को डिटेक्ट करता है, मतलब कि कैच करता है। तो उस कैचिंग प्रोसेस में कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है या कौन सी मेथड इस्तेमाल होती है वो हमने यहां पर लिख रखी है, क्लियर। और यहां पर है मेन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, मतलब कि इनकी क्या मेन प्रॉपर्टीज होंगी, किस तरह से ये इस्तेमाल होती हैं वो बातें। चलिए आइए देखते हैं इनको डिटेल में। सबसे पहला है रेडियो वेव्स, तो आप देख रहे हैं रेडियो वेव्स जो है इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा है। राइट, और इसकी वेवलेंथ भी इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे कम है और इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। आप देख रहे हैं यहां पर फ्रिक्वेंसी का ऑर्डर क्या है, 10^4 to 10^8, यानी ये सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाला वेव है। राइट, रेडियो वेव, लेकिन इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, विच इज ग्रेटर देन 0.1 meter, क्लियर। चलिए इसे कैसे प्रोड्यूस करते हैं, तो रैपिड एसिलरेशन एंड डी एसिलरेशन, एसिलरेशन एंड डी एसिलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कभी भी किसी भी इलेक्ट्रॉन को हम अचानक से एसिलरेट करते हैं या डी एसिलरेट करते हैं तब वो रेडियो वेव्स को प्रोड्यूस करता है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सारे जो कम्युनिकेशन हैं वो सारे कम्युनिकेशन रेडियो वेव्स के ऊपर पॉसिबल होते हैं, उसमें हमारा सेलुलर फोन भी आता है, क्लियर। चलिए देखिए रिसीवर एंड पर क्या है, तो रिसीवर्स एरियल्स यानी एंटीना का इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा सैटेलाइट डी2एस टेक्नोलॉजी जो रिसीवर एंटीना है, राइट, उसे हम रिसीवर एरियल भी कहते हैं। राइट, एंटीना को एरियल भी कहा जाता है, तो वो एरियल का करता है, रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करता है, कैच करता है और फिर उसे एनालाइज करके या डी मॉडिफिकेशन करके हमें जो ऑडियो सिग्नल या पिक्चर सिग्नल देखने को मिलते हैं वो दिखाई देते हैं फोन में या टीवी में, क्लियर। देख सकते हैं ये प्रॉपर्टीज या ये यूज जो हमें दिखा रहे हैं, यूज इन रेडियो कम्युनिकेशन। मैंने आपको पहले बताया कि रेडियो वेव्स रेडियो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। चलिए दूसरा जो है वो है माइक्रोवेव्स। अब देखिए माइक्रोवेव्स में फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 10^8 है, उससे बढ़कर यहाँ पर शुरुआती फ्रीक्वेंसी 10^9 है, लेकर कहाँ तक है 10^12 तक। वेवलेंथ जो है अब घट गई है, देखिए ये वेवलेंथ इससे कम है, क्लियर। तो वेवलेंथ यहाँ पर घट रही है, देखिए इट इज 0.1 meter to 1 mm, मिली मीन्स 10^-3 होता है, क्लियर। तो यहाँ पर वेवलेंथ घटती हुई हमें दिख रही है। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये क्या है, तो प्रोडक्शन कैसे होता है, तो मैग्नेट्रॉन वॉल्व के इस्तेमाल से हम माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि आज हम देख रहे हैं हमारे घरों में जो माइक्रोवेव ओवन रखा हुआ है वो इस टेक्नोलॉजी से क्या करता है, माइक्रोवेव्स को प्रोड्यूस करता है, और जिससे कि हम आज हमारा खाना गर्म करते हैं या बनाते हैं, क्लियर। डिटेक्शन में देखेंगे तो पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड का इस्तेमाल होता है, तो डायोड आपको पता है किसे कहते हैं, पी टाइप और मीन्स पॉजिटिव टाइप और नेगेटिव टाइप, ऐसे दो मटेरियल को हम मिक्स करते हैं तब एक डायोड बनता है। ऐसे दो कॉन्टैक्ट डायोड हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ माइक्रोवेव्स, क्लियर। अब यहाँ पर देखेंगे मेन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस में, तो रेडार कम्युनिकेशन में माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल होता है, जो कि मिलिट्री पर्पज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, या आप एयरफोर्स में नेविगेशन के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, या एनी सिंपली हम बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन में एविएशन में भी रेडार कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है, सिप के अंदर भी रेडार कम्युनिकेशन का इस्तेमाल होता है। स्टडी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो माइक्रोवेव से हम क्या कर सकते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर की भी स्टडी कर सकते हैं सब लेवल पर,
क्लियर। तो ये हुए उसके एप्लीकेशन। चलिए अब देखेंगे तीसरा जो वेव है, क्लासिफिकेशन है, वो है इंफ्रारेड। अब देख रहे हैं इंफ्रारेड में क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी अगेन बढ़ गई, माइक्रोवेव से बढ़ गई फ्रीक्वेंसी। कितनी है, 10^11 से 10^14 ऑर्डर, देखिए ध्यान से 10^14 के ऑर्डर पर ये आ जा रही है। क्लियर। अब इसकी वेवलेंथ देखिए, यहां पर वेवलेंथ और घट गई है, वेवलेंथ 1 mm टू 70 नैनोमीटर है। ये नैनो मीन्स 10^-9 होता है, यानी यहां पर वेवलेंथ घटती हुई हमें दिखाई दे रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और वेवलेंथ घट रही है। प्रोडक्शन देखिए, प्रोडक्शन कैसे होता है, तो वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो इंफ्रारेड वेव्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो बाय वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, ये हमें यहां पर पता चल रहा है। डिटेक्शन के लिए क्या इस्तेमाल होता है, तो इंफ्रारेड फोटोग्राफिक फिल्म। तो इंफ्रारेड फोटोग्राफिक पर्टिकुलर टाइप की फिल्म होती है जो सिर्फ इंफ्रारेड को डिटेक्ट करती है। क्लियर। अब इसके यूजेस देखें क्या है, रिमोट कंट्रोलर की तरह इस्तेमाल करते हैं फॉर टीवी एंड वीसीआर। आपने देखा होगा बच्चों, जो पहले के टीवी आते थे उसके जो रिमोट कंट्रोल आता था वो रिमोट कंट्रोल इंफ्रारेड वाला होता था। हम टीवी के सामने रिमोट को लेकर दबाते थे तब और तभी चैनल चेंज होता था, लेकिन आज के रिमोट ऐसे नहीं होते, मतलब आज के रिमोट इंफ्रारेड वाले अधिकतर नहीं होते हैं। चलिए दूसरा देखेंगे क्या इस्तेमाल होता है, फॉर हैज फोटोग्राफी। हैज फोटोग्राफी मतलब शाम के टाइम पे आप देखेंगे क्या होता है कि जब सन राइज हो रहा होता है या सन सेट हो रहा होता है उस टाइम पे लाइट जो होती है वो डिम होती है, लेकिन कैमरा जो है, कैमरा इंफ्रारेड वेव्स को या लाइट को कैच कर लेता है, इस वजह से उसकी क्लियरिटी बढ़ जाती है, यानी हेज फोटोग्राफी के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा जो है इन ग्रीन हाउस फॉर प्लांट वार्मिंग। ग्रीन हाउस जो हम फलों को सब्जियों को उगाने के लिए जो ग्रीन हाउस बिल्ड करते हैं फार्मर, उसके अंदर प्लांट को गर्म करने के लिए भी इंफ्रारेड लैम्प्स का इस्तेमाल किया जाता है। वो लैम्प्स क्या करते हैं, इंफ्रारेड अंदर भेजते हैं और उस वजह से वहां पर गर्मी रहती है। क्लियर। तो ये तो हुई बेसिक बातें फॉर इंफ्रारेड। अभी देखेंगे विजिबल लाइट। इस लाइट को हम जानते हैं, जो लाइट आज तक हमने देखी है वो सिर्फ विजिबल लाइट ही है, इसके अलावा हम कोई भी लाइट अभी तक देख नहीं चुके, मतलब देख नहीं सकते, कोई भी वेव्स हमने देखे नहीं है फ्रॉम नेकेड आइज। क्लियर। देखिए इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो अगेन बढ़ गई, 4 × 10^14 टू 7 × 10^14 है। क्लियर, ये रेंज है देखिए। और इसका जो वेवलेंथ है वो 700 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर है। क्लियर। तो ये हमें यहां पर वेवलेंथ देखने को मिल रहा है विजिबल लाइट का। और प्रोडक्शन देखिए, तो इन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। तो देखिए कभी भी जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा राइट फ्रॉम वन एटॉमिक लेवल टू अदर एटॉमिक लेवल, तब उसमें क्या होगा, वहां पर एनर्जी, मतलब के जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है एक लेवल, हायर लेवल से लोअर लेवल में आता है तो एनर्जी को रिलीज करता है। एनर्जी क्या होती है, तो फॉर्म ऑफ लाइट, यानी वहां पर हमें लाइट निकलते हुए दिखाई देती है, इस तरह से विजिबल लाइट प्रोड्यूस होती है। डिडक्शन देखिए, तो क्या है, ह्यूमन आई फोटोसेल्स, और यानी सिंबल आंख से भी हम विजिबल लाइट को देख सकते हैं, या तो फोटोसेल फोटोग्राफिक फिल्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, मेन प्रॉपर्टीज देखिए क्या इस्तेमाल होता है, वी कैन सी वर्ल्ड विद दिस, मतलब विजिबल लाइट से आज हम पूरी दुनिया जो देख रहे हैं वो सिर्फ विजिबल लाइट की वजह से देख पा रहे हैं, मतलब जो विजिबल लाइट, जिनकी आंखें विजिबल लाइट नहीं देख पाती उनके लिए पूरी दुनिया में अंधकार है, अंधेरा है। क्लियर। दूसरा पॉइंट देखिए, इट कैन कॉज केमिकल रिएक्शन, मतलब विजिबल लाइट से केमिकल रिएक्शन होता है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में कई कितने केमिकल रिएक्शन के लिए क्या किया जाता है, केमिकल को ओपन सरफेस में छोड़ दिया जाता है, उसमें सनलाइट आकर गिरती है और उस वजह से विजिबल लाइट आकर गिरती है, सनलाइट यानी विजिबल लाइट, और उस वजह से क्या होता है उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है। ये एक एकदम नेचुरल प्रोसेस है जो अधिकतर इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो है अल्ट्रा वायोलेट। तो देखिए ये क्लासिफिकेशन अल्ट्रा वायोलेट का है, यहां पर फ्रीक्वेंसी अगेन बढ़ गई, ऑर्डर है 10^16 टू 10^17, ये ऑर्डर है यहां पर। और इसका जो वेवलेंथ आप देखेंगे, ये वेवलेंथ यहां पर और घट गया, 400 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर हो गया राइट। तो ये बहुत ज्यादा वेवलेंथ इसका घट गया है यहां पर। चलिए प्रोडक्शन में देखें, तो ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। देखिए जब एक ही एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन उसके एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जाता है राइट, तो इसे हम कहेंगे ट्रांजिशन। तो इस दौरान वो क्या करता है, वो इस वेव को, इस अल्ट्रावायलेट वेव को रिलीज करता है। क्लियर।
चलिए डिटेक्शन की बात करें तो फोटोसेल और फोटोग्राफिक फिल्म से हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं, और यूजेस की बात करें तो एब्जॉर्ब बाय ग्लास, ग्लास से एब्जॉर्ब हो जाता है ये, और आयनाइज एटम इन एटमोस्फियर, राइट, ये एटमोस्फियर में क्या करता है, एटम्स को आयनाइज कर देता है, क्लियर, अल्ट्रावायलेट लाइट। चलिए बात करें आगे एक्सरे की, तो अगेन ये दूसरा क्लासिफिकेशन है हमारे पास। देखिए क्लासिफिकेशन में फ्रीक्वेंसी की रेंज और बढ़ गई, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की रेंज 10^16 टू 10^19 है, राइट, और यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो 1 नैनोमीटर टू 10^-3 नैनोमीटर, मतलब बहुत ही कम यहाँ पर वेवलेंथ हो गई है, देखिए। और ये कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, तो एक्सरे ट्यूब्स के अंदर, राइट, एक्सरे ट्यूब के अंदर हम इसे इस्तेमाल करते हैं। आपको पता होगा एक्सरे ट्यूब में हम क्या करते थे, एक इलेक्ट्रॉन बीम को किसी मेटल के ऊपर इंसिडेंट कराते हैं और उसके अंदर से क्या बहुत सारे दूसरे पार्टिकल निकलते हैं, अल्फा बीटा गैमा, और साथ में एक्सरे भी निकलता है, जिसे हम कहते हैं एक्सरे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, आपको याद होगा वो। चलिए डिटेक्शन में बात करें, डिटेक्शन में क्या, आयनाइजेशन ऑफ चैम्बर, राइट, आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर क्या किया जाता है, हाइड्रोजन या हीलियम ऐसी गैसेस हम छोड़ देते हैं और एक्सरे को पास करते हैं। जब एक्सरे ऐसी गैसेस के कांटेक्ट में आती है तो क्या करती है, उनमें लाइट प्रोड्यूस करती है, उन्हें चमकीला बनाती है, उन्हें ग्लो करती है, तो ये क्या बताता है कि उस चैम्बर के अंदर एक्सरे प्रेजेंट है, क्लियर। तो ये हुआ आयनाइजेशन चैम्बर, समझ में आया। चलिए अब देखिए इसका एप्लीकेशन क्या है, तो रेडियोग्राफी, आयनाइज गैसेस एंड कॉज फ्लोरोसेंस। मैंने आपको कहा फ्लोरोसेंस यानी क्या होगा, वो लाइट प्रोड्यूस करता है। रेडियोग्राफी, जैसे कि आप देख रहे हैं एक्सरे का इस्तेमाल, कभी भी हमें फ्रैक्चर हो जाता है तो एक्सरे करना पड़ता है, जो बॉडी के अंदर से डिटेक्ट करके सॉलिड बोन्स की इमेज हमें देता है, क्लियर। तो ये पेनिट्रेटिंग प्रॉपर्टी भी रखता है, तो एक्सरे बहुत ही एप्लीकेबल है और यूजफुल है, क्लियर। चलिए अब लास्ट देखते हैं, वो है गैमा रेज। तो गैमा रेज में हम देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है और इसकी वेवलेंथ सबसे कम है। फ्रीक्वेंसी 10^18 टू 10^22 है और वेवलेंथ लेस देन 10^-3 नैनोमीटर है, क्लियर। देखिए इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, रेडियो डीके ऑफ द न्यूक्लियस। जब किसी न्यूक्लियस का विभाजन होता है, डीके होता है, टूटता है, राइट, जब न्यूक्लियस टूटता है तब उसके अंदर से क्या निकलता है, तो मैंने आपको बताया अल्फा बीटा दूसरे पार्टिकल और साथ में निकलता है गैमा, क्लियर। चलिए और इसे डिटेक्ट कैसे करते हैं, तो फोटोग्राफिक फिल्म्स की बदौलत इसे डिटेक्ट करते हैं, और इसकी प्रॉपर्टी भी लाइक एक्सरे ही है, लेकिन एक्सरे और इसमें दोनों में फर्क क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो गैमा है, गैमा हाईली आयनाइज्ड होता है एक्सरे कंपैरिजन में, हाईली मींस एक्सरे मान लीजिए 1 आयनाइजेशन है तो इसका होगा 10,000 अराउंड आयनाइजेशन। इसलिए हम गैमा रे के इस्तेमाल से कभी एक्सरे या बोन्स के जैसे इस्तेमाल, बोन्स के इमेज के लिए इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि गैमा रे से क्या होगा, कैंसर हो सकता है, लिविंग सेल को डेथ कर देता है और कैंसर भी करता है, यानी इसे ह्यूमन के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते, क्लियर। तो ये हुई हमारी कुछ बेसिक बातें फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। चलिए थैंक यू।